कांकेर के ग्राम पंचायत गोडरी प्रशासन द्वारा सुनवाई और समस्या का समाधान नहीं होने पर ग्रामीण एसडीएम अंतागण को शिकायत करने पहुंचे। बता दें कि गोडरी के सैकड़ों ग्रामीण राशन न मिलने से परेशान हैं। सरकार ने ग्रामीणों को राशन देने के लिए पीडीएस सुविधा के तहत राशन वितरण की व्यवस्था की, लेकिन शायद उनके अधिकारों का हनन पीडीएस संचालक करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसी के चलते फिंगरप्रिंट लिया, राशि भी जमा करवाई, बस नहीं दिया तो राशन, जिसके चलते ग्रामीण अपनी शिकायत को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। फिंगर रखाया गया, चावल का वितरण नहीं किया। सर फूट साहब भी बोले कि अंगूठा फिंगर ले लो या तो अगले महीना फिर कटौती होगा, ऐसे करके बोले। चावल आएगा तो वितरण कर देना। ऐसे तो अभी तक वितरण क्यों नहीं है? अभी तक चावल ही नहीं भेजा है सर। मतलब फूड इंस्पेक्टर साहब मिले हैं आपके साथ? नहीं सर। नहीं, आप वही तो, आप ही तो बोले कि फूड इंस्पेक्टर साहब ये बोले कि फिंगर ले लो, चावल बाद में मत देना, बेच के पैसा खा लेंगे। ऐसा नहीं है सर। क्या हो गया तकलीफ? चावल मार्च के चावल नहीं मिलते। क्या बोल रहे थे? चावल खत्म हो गए, चावल कम आए, ऐसे बोले। फिंगर रखवा लिए आपने? हाँ, फिंगर तो दे, पैसा नहीं दे, चावल ले तब पैसा दे, ऐसे करके ऐसे बोले। हाँ, मतलब फिंगर लगवा लिए, पैसा आप नहीं दिए थे, लेकिन चावल, फिर चावल नहीं मिला? नहीं, चावल। क्या बोल रहे थे? कम है, चावल खत्म हो गए, नहीं आई। तो फिंगर पहले क्यों रखवा लिए? मार्च में पैसा जमा करा ली, सब अगले महीना चावल लेके ऐसे कहीं नहीं दी, पैसा उसका पूरा जमा हो गई, फिंगर पूरा दब गई। कितना पैसा जमा किया आप? पैसा पूरा जमा कर दिए थे? पूरा जमा। क्या बोला सेल्समैन आपसे? वो मतलब अगले महीना लेके की, और उसके बाद नहीं दिया? किससे शिकायत की हो आप? ओकर बाद में अगले महीना गए चावल लेबर, वो चावल तो नहीं है, इसके अभी देत रिश्ते है, अगले महीना देबो ऐसे की। हाँ, उसने कहते कि फिर भी मैं गए अभी ये में। जब तक आप फिंगर नहीं दबाएंगे तब तक आपको चावल नहीं दिए। ये बिल्कुल सही है, सरकार का आदेश है कि फिंगर दबाएंगे तभी आपको राशन मिलेगा, ये बात सही है। आपका आरोप ये है कि फिंगर लगाने के बाद, अब यहाँ पे संबंधित एजेंसी के द्वारा चावल का आवंटन कम होना इसी बात का संकेत करता है, और इसी कारण वो चावल नहीं दिया। नहीं तो फिंगर लगाने के बाद, फिंगर लगवाया तो उस बाद उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? चावल आपको बाद में मिलेगा, ये जवाब दिया जा रहा है। कब मिलेगा? गिरेगा, गिरेगा उसके बाद। फिंगर पहले वो रखवा ले रहे हैं? रखवा ले रहे हैं। कौन बोला? कौन बोला ये बात? ये हमारे पंचायत के द्वारा रखा गया, सेल्समैन के द्वारा। इसकी शिकायत आप कहाँ की है? एसडीएम कार्यालय में। कब किए थे ये? अगर फिंगर लगने के बाद भी राशन नहीं दिया गया है, ये पूरी जिम्मेदारी एजेंसी की हो जाती है, उनके द्वारा जो विक्रेता नियुक्त किया गया था विक्रेता के हो जाती है इसकी। ग्रामीण बिल्कुल साफ कर रहे हैं कि फिंगर लिया गया है और उनको राशन का वितरण नहीं हुआ। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई, क्या कार्रवाई अब करेंगे? इसके ऊपर पूरी जाँच होगी, इस पर हितग्राहियों का बयान लिया जाएगा, उनका राशन कार्ड चेक किया जाएगा, ऑनलाइन हमारे पास जो दर्ज है उस पर भी चेक किया जाएगा। अगर ऑनलाइन दर्ज है और हितग्राही का बयान अनुसार उनको राशन नहीं मिलता है तो इसके लिए पीडीएस के अंदर जो हमारे आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जो भी निर्देश है उसके अंदर कार्रवाई होगी और इस पे जेल जाने का भी प्रावधान है। अभी तक ग्रामीणों ने आवेदन पहले दे चुका, लेकिन प्रशासन की नुमाइंदे जो भी आप अधिकारी हैं आज तक हमने उस पर कार्रवाई नहीं की, आज आप इस बात को जवाब दे रहे हैं, क्या लीपापोती माना जाए? नहीं, इस पे कोई लीपापोती नहीं, इस पे 21 अप्रैल से ही मेरी ओर से लेटर जारी किया गया है, ऊपर से अपने उच्च अधिकारियों से बात किया गया है, जो कि खाद्यान्न कटौती का मामला है, दूसरा कोई मामला नहीं है, इसलिए खाद्य कटौती जब होती है तो हम लेटर के माध्यम से ऊपर में कोशिश करते हैं। फिंगर रखाया गया,